और 35 साल की उम्र में गए थे मथुरा में, उनसे संपर्क होता है, दीक्षा लेते हैं, तो उन्हीं के उन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना करते हैं और आगे जो कुछ है वो इतिहास है। तो गुरु का महत्व तो आप कहीं देख लीजिए, वो उसको आप वो ऋण नहीं चुका सकते। गुरु का जो ऋण है वो अपने आप में परंपरा में बसा हुआ है। और आज डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि द्वितीय राष्ट्रपति थे, खुद अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, दार्शनिक थे, इंडियन फिलोसफी बहुत चर्चित किताब है उनकी, यूनेस्को से भी सम्मानित किए गए, वहाँ भी उन्होंने योगदान किया। तो आज कई महान हस्तियाँ जो हैं वो आज इस पवित्र भूमि पर आज हमें उद्वेलित कर रही हैं, उनके विचार हमें छोड़ रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और इन तमाम जो बातें मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नई मैं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों के लिए जो मैं कहना चाह रहा था, चूँकि जब आपके सामने मुखातिब हूँ तो हमें अपना वो किशोर दिन याद आ रहा है, जब हम लोग कॉलेज में पहले दिन पहुँचे थे और तमाम अरमान थे, तमाम ख्वाब थे। अब इजाज़त दें तो मैं थोड़ा और औपचारिक होने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल बहुत औपचारिक होने की आदत रही नहीं, क्योंकि ये एकेडमिक माहौल है, एकेडमिक माहौल से डर लगता है आपके सामने कहने की जरूरत कर रहा हूँ। शिक्षक कई चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा व्याख्या करते हैं, एक ही पंक्तियों की, और पता नहीं वो हमारी शिक्षा व्यवस्था ही है कि प्रश्न ही पूछा जाता है, सब प्रश्न व्याख्या करें, और एक वाक्य का अर्थात इसका मतलब ये है, और एक वाक्य के एक शब्द के 10 अर्थ लगातार देते हैं। अच्छा है वो जानने के लिए, हमारे शब्द से पता बहती है, लेकिन कई बार हम बहुत धक्केअनुसी भी हो जाते हैं। मैं इसको हल्के अर्थ में तंज कस रहा हूँ, माफी के साथ, गुस्ताखी के साथ। बच्चों को जब सामने देख रहा हूँ तो अपना बचपन, जैसा मैंने कहा, मुझे एक शिकायत है भारतीय शिक्षा पद्धति से, और चूंकि मैं भी उसका शिकार रहा हूँ और मैं एक अभिभावक हूँ, तो अपने बच्चों को जब देखता हूँ तो मैं भी न कर पाता, तो मुझे अपने से भी शिकायत है। मैं ये कह दूँ, मैं अपने को बचा नहीं रहा। हम अपने बच्चों में प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित नहीं करते, उसको हतोत्साहित करते हैं। बच्चा प्रश्न करता है, बहुत सारे प्रश्न करता है, बहुत तकलीफ दे सवाल भी करता है, मृत्यु के बारे में सवाल करता है। हम असहज हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। बच्चा ईश्वर के बारे में सवाल करता है, ऐसे ऐसे सवाल करता कई बार कि आप साझा भी ना करें शायद, क्योंकि वो अनामिल होता है, उसके अंदर कोई दूषण नहीं है, वो अबोध है, या कह लीजिए उसका उल्टा कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा पाक है, वो बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, उसमें विचारों के दूषण तमाम एक दूसरे की जो चीज़ें कही जाती हैं, ये ठीक है, ये गलत है, ये सबसे वो मुक्त होता है, वो एक प्रकृति है। और हम सभी जानते हैं कि एक शब्द है संस्कृति, प्रकृति से उसका 3-13 का रिश्ता है, उसे सीधे तौर पर ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन प्रकृति ये कहती है कि हम जैसे पैदा लिए वैसे रहे, जैसे जानवर रहते हैं, प्रकृति ये कि हमें किसी ने कुछ कहा हमने जवाब दिया वगैरह वगैरह, लेकिन संस्कृति हमें संयम सिखाती है, संस्कृति हमें बताती है कि हमें क्या पहनना चाहिए, हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्रकृति और संस्कृति में एक स्पर्धा चलती है, और संस्कृति का यह है कि सौके बननी चाहिए, ये सभागार होना चाहिए, पानी फैल रहा है तो उसमें बांध बनने चाहिए, और प्रकृति और संस्कृति की जब होड़ में प्रकृति कई बार जीत जाती है और विभीषिका लाती है। मैं इशारा कर रहा हूँ पर्यावरण की ओर, वो विभीषिका हम रोज़ देख रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा है, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा जलमग्न है, दिल्ली जैसे शहर आप देख लीजिए हर जगह पानी पानी है। कारण ये है कि हमने इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम जो भी कुछ बातें कह ली जाए, लेकिन जीवन में अनुशासन का एक बड़ा महत्व है। गोपाल सिंह नेपाली की कविता मुझे याद आ रही थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ। उस कविता में उन्होंने कल्पना पर बहुत जोर दिया, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। आज का समाज कल्पना कम करता है, या यूं कहने कि हम जब छोटे थे तो हमारे अभिभावक हमें बहुत हतोत्साहित करते थे कि दिन में स्वप्न देखते हो,
ख्याली पुलाव पका रहे हो मुकदमे में। जो लोग साहित्य में हैं, जो हिंदी के छात्र बैठे हैं, तो इसलिए ये कहने का साहस कर पा रहा हूँ, शायद विज्ञान के जो लोग होंगे वो हंस सकते हैं मेरी बात पे। हालांकि 12वीं तक मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, जेनेटिक्स अव्वल पढ़ाता भी था, अभी भी अपने को कमतर विज्ञान का छात्र नहीं मानता। कल्पना बहुत जरूरी है, अगर कल्पना उड़ने की न की गई होती तो वायुयान नहीं हुआ होता। और अपने शास्त्रों में तो उस पर जैसे कह लीजिए एक तरह का उड़ने वाला ही है, उसको लोग कई बार बहुत कुछ दावे भी करते हैं, लेकिन वो वजूद है तो वो कल्पना है। अगर हकीकत न भी नहीं हो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज में हमारे पुरखों ने भी कल्पना की होगी और शायद कुछ चीज़ें बनाई होगी जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और दूसरे पहुँच रहे हैं शायद। तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देखें 10वीं शताब्दी तक तो हमारी प्रगति अद्भुत है। आप आर्यभट्ट को देख लें, बारह महल को देख लें, कह नहीं सकते आप। जितने भी विदेश के यात्री रहे हैं सबने बहुत मुक्त कंठ से भारतीय विज्ञान और तकनीक की प्रशंसा किया। पैथोमेरस के प्रमेय को देख लें तो यजुर्वेद का भाष्य लिखा है जनक सरस्वती ने। यजुर्वेद में तो जो अग्नि वेदियां हैं उसकी बनाने की जो विधियां बताई गई हैं वो सभी जागृति सिर्फ जागृति का उद्गम आप यजुर्वेद को मान सकते हैं। कहा गया है उसमें, वैज्ञानिक लोगों ने पुष्ट किया, उसमें कोई कहीं कोई विवाद नहीं है। शून्य एक अज्ञात भारतीय को उसका श्रेय दिया जाता, कुछ लोग आर्यभट्ट को भी देते हैं और तो और एक हो सकता है कुछ छात्र नहीं जानते हो। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंक प्रणाली है 1-2 जो हम लिखते हैं, जिसको हम कई बार अज्ञानतावश कह लेते हैं कि इंग्लिश का है, रोमन तो लाइन वाला है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है जिसे भारत सरकार ने संविधान में जब राजभाषा का दर्जा दिया हिंदी को तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को ही माना। अब ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है, हर जगह लिखा जाता है, इसे हम इंडो अरबिक कहते हैं नंबर सिस्टम, भारतीय और अरबी। अरबी इसलिए जुड़ जाता है कि आप सभी जानते हैं कि 8वीं शताब्दी में अरब से हमारा संपर्क हुआ, घोड़ों का व्यापार चलता था और हमने छोड़ दिया उसका इस्तेमाल करना, अरब ले गए। और जब पुनर्जागरण होता है 14वीं शताब्दी में इटली में, तो उनके द्वारा उनके जरिए से वो यूरोप पहुँचता है और फिर औद्योगिक क्रांति होती है। तो आप जानते हैं कि जो अंधेरे के क्षेत्र थे, जो डार्क एज वाला क्षेत्र था, जो बहुत पिछड़ा हुआ था, कुछ नहीं था, वो दुनिया पर राज करने लगता और अंग्रेजों का सूर्य कहीं अस्त नहीं होता था। लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो हम भारतीय थे, अंग प्रणाली हमने दी, अरब ले गए, फिर अंग्रेज के माध्यम से फिर दोबारा आप तक आई, तो आपको मालूम मिलता कि हमारा है। थोड़ा मैं विषयांतर हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ हमने खोया भी है, बहुत खामियां भी हमने समय के साथ अपने में जोड़ ली। समय ये है कि अगर हम प्रश्न करेंगे तब उन अच्छाइयों को आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ कमियां समय के साथ आई हैं उनसे हम पीछा छुड़ा पाएंगे। हर समाज में एक अगर संस्कृति होती है तो साथ में एक प्रति संस्कृति भी चलती है। कल्चर है तो काउंटर कल्चर भी है, जिसको आप अप संस्कृति कह सकते हैं। अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ खराब लोग भी, अखबार खोलें पहला पृष्ठ ही नकारात्मक खबरों से भरा रहता है। इसका मतलब नहीं कि ये गलत है, लेकिन बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं और अभी प्रिंसिपल साहब जैसा बता रहे थे कि अद्भुत है। और 180 छात्र अगर जुड़े हैं और आपसे उन्होंने अपील की है, मुझे लगता है कि सब लोग जुड़ना चाहेंगे। तो ये भी इसी दौर में हो रहा है जहाँ तमाम खराब चीज़ें भी हो रही हैं, लोग एक दूसरे भरोसा नहीं कर रहे, वैसे में बिना स्वार्थ के आप अगर उन वृद्धों के पास जाते हैं जिन्होंने जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया है, ऐसा भी है जिनकी पीड़ा अलग है, उनके पास अब अपनों के रूप में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम है। तो जो मैंने वादा किया आपको गोपाल सिंह नेपाली की कविता का वंश मैं आपको देख के सुनाऊंगा, चूंकि पंक्ति कठिन है लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। कल्पना करो तुम नवीन कल्पना करो, उसमें देशभक्ति की भी बात करते हैं वो और मनुष्य के आचरण की भी बात करते हैं। चार खूबसूरत पंक्तियां हैं जो पहले बचपन में कविता पढ़ी थी, कल पढ़ रहा था तो मुझे लगा मैंने नोट किया, मैंने आपके सामने मैं वो पेश करूंगा। वो लिखते हैं,
शुरू में बोले तुम कल्पना करो वगैरह वगैरह, कई अंतर है। एक जगह कविता जो है बहुत गंभीर हो जाती है, वो कहते हैं कि तन की स्वतंत्रता चरित्र का निखार है, तन की स्वतंत्रता चरित्र का निखार है, मन की स्वतंत्रता विचार की बहार है, घर की स्वतंत्रता समाज का सिंगार है, पर देश की स्वतंत्रता अमर पुकार है। अब देखिए कितनी तरह की भावनाएं एक साथ रख रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के दौर पर वो जागरण गीत लिख रहे हैं और लिखते हैं कि टूटे कभी न तार यह अमर पुकार, यह तुम साधना करो अनंत साधना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। तो ये पंक्तियां जो है हमें आचरण पर भी जोर देने को कहती है, स्वतंत्रता लेकिन स्वच्छंदता नहीं, एक अनुशासन, मुक्ति लेकिन निर्बंध नहीं, कल्पना करना है कुछ नवीन करना, जैसे निराला लिखते हैं वो है पुरुषोत्तम नवीन, कुछ नया करो, कुछ नई युक्ति निकालो ताकि जो अंधकार की शक्तियां हैं उन पर विजय पाया जा सके वगैरह वगैरह। तो कल्पना जरूर करें, ज्ञान के रूप में हम सभी जानते हैं कि ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान हम हासिल करें, लेकिन ज्ञान सिर्फ तथ्यों का जमावड़ा नहीं है, तथ्य के साथ जो सर कह रहे थे आत्मचिंतन विश्लेषण, उसकी प्रक्रिया बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन जो कि अपने समय के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं और अभी तक पूरी दुनिया उनके काम का ऋणी है, वो कल्पना को ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। वो कहते हैं कल्पना ज्ञान में बहुत दम है, लेकिन कल्पना उससे बहुत ज्यादा आगे की चीज है। मेहनत बहुत जरूरी है, आपके पास ज्ञान है, आप काल्पनिक है, तो उस ज्ञान को एक जिसको आप अभिनव कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, एक नए तरीके से उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टअप की का समय है, आप पास करते हैं, आप कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं, IIT से बच्चे पास होते हैं, कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं, कोई स्नैपडील खोलता है, कुछ कोई बहुत बढ़िया पेटीएम खोल लेता है। तो ये सीखने की ज़रूरत है कि भारत से लोग नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, और चूँकि सब कुछ अंततः शिक्षा का जो एक बहुत एक क्रूर सच है कि रोजगार, क्रूर सच, मैं अंतिम सच नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण है मगर समाज निर्माण वगैरह है, वो बहुत बड़ा, वो बड़ी भूमिका है शिक्षा की, लेकिन अंततः अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो शिक्षा जो है वो अपने मकसद से च्युत हो जाएगी। हम सभी की पीड़ा, जो भी बच्चे आए हैं, तो रोजगार हमारे लिए जरूरी है, लेकिन रोजगार तब मिलेगा जब ज्ञान को आप हुनर में तब्दील कर पाएंगे। आपके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जब एक्सपर्टाइज में बदलेंगे तब वो प्रक्रिया बहुत महीन बारीक प्रक्रिया होती है, उसमें जो गुरु आपके बैठे हैं उनसे आपको मार्गदर्शन लेना होगा, और उसके लिए समर्पण बहुत जरूरी है, अध्यवसाय जो मेहनत है उसके बिना आप ये नहीं पा सकते। तो मेरा हाथ में है, आप कल्पना करते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उस पर अगर मेहनत से आप लगे रहते हैं तो आपको कामयाबी से कोई डिगा नहीं सकता। और अव्वल और अंतिम बात की आत्मविश्वास, इसलिए कॉन्फिडेंस जो है आपसे बहुत बड़ा काम करवा लेते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हुनर है हमारे पास, लेकिन हमें आत्मविश्वास नहीं होता, मंच पर आते हैं तो पाँव कांपने लगते हैं, ये तो खैर अभ्यास से ठीक हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों के पाँव कांपते थे, जुबान फिसलती थी, और वो लोग बहुत बड़े वक्ता बने, तो अभ्यास से ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन अपने पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। माँ बाप को, शिक्षकों को भी जरूरी होता है अपने बच्चों पर भरोसा रखना। अब देखेंगे SAR में इस बार जो एथलेटिक्स में जो परिणाम आए हैं, उन भारतीयों ने लाए हैं जिनको अब तक समझा जा रहा था कि बहुत तंग शरीर वाले लोग हैं, एथलेटिक्स में तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे अफसोस होता है, कबड्डी जहां हमारा राज होता था, हम कांस्य भी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम हॉकी में कांस्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब एथलेटिक्स में देखिए हमारी लड़कियां, लड़के देखिए 400 मीटर 800 मीटर 200 मीटर में हर जगह वो दौड़ छोटे कद वाले, सारा खेल क्या है, इरादे बुलंद। शरीर से बहुत चीज नहीं होता, आपके दिमाग से, आप दिमागी रूप से आप कितने, आपका हौसला कितना बुलंद है, वो चीजें आपसे बहुत कुछ करवा ले जाती है, क्योंकि आपके जुनून में 125 करोड़ देशवासियों का एक दबाव महसूस करता है। तमाम जिन लोगों ने कहा है उन्होंने यही कहा कि अपने देश के लिए मैं कर रहा हूँ,
तो एक भारत के लोग को, हम जैसे लोग जो कि सिर्फ एक उनके बारे में सोच सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। आप युवा हैं, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सपना देखना ना छोड़े, सपना हमेशा देखें, पास एक अपने समय के बड़े पंजाब के कवि हुए हैं, आशा जी पंजाब से आती हैं, वो बेहतर बताएंगी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही है, सबसे उनका तो मेहनत की लूट सबसे खतरनाक है, तमाम चीज़ें पुलिस की बात ये नहीं होती, कई उन्होंने हुक्मा किया और कहते सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो कोई समाज मर जाएगा अगर वो सपना नहीं देखता। ख्वाब बहुत जरूरी है, तो ख्वाब आप जरूर देखें, और ये खूबसूरत दुनिया मिली है, इस दुनिया को इससे बेहतर करके जाना है। अमीर खुसरो की पंक्ति के साथ विराम दूंगा। सबने इकबाल, अल्लामा इकबाल की पंक्ति बताई आपके सामने कि कुछ बात है कि हस्ती बढ़ती नहीं हमारी, और दुश्मन रहा है सदियों दुश्मन रहा दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अमीर खुसरो कहते हैं कि घर फिर दौस भर रू व जमी अस्त हो, अमी अस्त हो, अमी अस्त हो, अमी अस्त हो। अगर अंग्रेजी में कहें तो, हिंदी में कहें तो, अगर कहीं इस धरती पर जन्नत है, स्वर्ग है, तो यही है, यही है, और केवल यही है। इफ देयर इज अ ब्लिस ऑन अर्थ इट इज दिस, दिस एंड ओनली दिस। तो सपना देखना बहुत जरूरी है, और ये जो खूबसूरत दुनिया मिली है इसको हमें और बेहतर बना के जाना है, और ये बेहतर तब मिलेगा जब हमें अपने पर भरोसा करें। और शैलेंद्र की पंक्ति बीच में याद आ गई, उसको मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर उसने, शैलेंद्र ने कहा है, उसको सलील चौधरी ने कंपोज भी किया, आपको नेट पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखेंगे। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो तार ना चाहिए।